दोस्तों समस्तीपुर जिला के रोसरा थाना क्षेत्र के थतिया गांव के आज सैकड़ों की संख्या में दलित समुदाय के लोग देखिए रोसरा पुलिस का पुतला दहन करने के लिए करें। और दोस्तों पुतला को देखिए, देखने से काफी कुरूप और बदसूरत लग रहा होगा। दोस्तों ये लोग रोसरा पुलिस के पुतला को बदसूरत और कुरूप इसीलिए बनाया क्योंकि इन लोगों के दिल में, दलित समाज के दिल में पुलिस की ऐसी ही तस्वीर है, इसीलिए आज इस तरह का पुतला बना करके ये लोग रोसरा पुलिस का इस तरह का पुतला बना करके आज पुतला दान करने के लिए करें। और देखिए बगल में बेबस लाचार माता जी, और देखिए इनके हाथ में एक आवेदन है रोसरा थाना प्रभारी के नाम से, और विषय देखिएगा अपहरण के संबंध में, और डेट देखिएगा 4/8/2024 को। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात है कि 4 तारीख को आवेदन पड़ता है लेकिन 4 तारीख से आज 11 तारीख हो गया है, लेकिन रोसरा थाना के बगल में ये गांव है, लेकिन रोसरा थाना की पुलिस तो छोड़िए, एक चौकीदार तक को नहीं भेजा गया है जांच करने के लिए। और यहां के सारे दलित समुदाय के लोग आज आक्रोशित होकर के, और देखिए आक्रोशित होकर के महिलाएं रोसरा पुलिस को जूता का माला पहना रही, और देखिए आक्रोशित होकर, और देखिए किस तरह से जूता की माला पहनाई जा रही है रोसरा पुलिस को, और रोसरा पुलिस को जूता की माला पहनाई जा रही है। बहुत दुखद और तकलीफ की बात है। और दोस्तों बगल में माता जी हैं, इन्हीं के बेटा का किडनैप हुआ, और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इनके बेटे का किडनैपिंग इन्हीं के एक बेटे ने और पति ने मिल करके करवा दिया। माता जी का एक बेटा था, 13 साल तक बिछड़ा रहा, 13 साल के बाद वापस आया तो माता जी अपने बेटे को पहचान ली, इनका पति अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन छोटा बेटा और उनका ससुर मिल करके बोला कि दूसरा बेटा आ गया है, संपत्ति बट जाएगा, संपत्ति में हिस्सा लग जाएगा, इसीलिए ससुर ने अपने दामाद को सिखा करके, इनके छोटे बेटे को सिखा करके इनके बड़े बेटे को गायब करवा दिया है। और दोस्तों आशंका है कि बेटे की हत्या कर दी गई, और दोस्तों जिस दिन से ये थाना में आवेदन दिए हैं उस दिन से इनका बेटा और पति फरार, और दोस्तों जिस दिन इनका बड़ा बेटा गायब हुआ था इनका ही बेटा और पति लेकर के उसको बाहर निकला था, ले जा करके कहीं शायद मार दिया हो, कहीं जमीन में गाड़ दिया हो, नदी में बहा दिया हो। लेकिन दोस्तों जाए तो कहाँ जाए, देखिए 4 तारीख को ये रोसरा थाना गई हैं, और देखिए ये देखिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोसरा खुद एक महिला है, DSP रोसरा खुद एक महिला, और देखिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोसरा, और यहाँ पे देखिए डेट है 6/8/2024, 2 दिन के बाद ये रोसरा DSP के पास भी जाती हैं, लेकिन DSP साहब भी इनका कोई सुनवाई नहीं करते। वैसे ये आरोप लगा रही है कि 3 लाख रुपया में पुलिस मैनेज हो गया, इनका आरोप है, बाद बाकी निश्चित रूप से अगर पुलिस पैसा नहीं ली तो एक बोतल दारू पकड़ाता है तो 2-2 पुलिस की गाड़ी आ जाती है जांच करने, एक महिला का जवान बेटा गायब हो गया, हत्या की आशंका है, लेकिन बगल में रोसरा थाना है, एक भी पुलिस की गाड़ी यहां पे नहीं आती है, तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को लगता है कि पुलिस की मिली भगत है किडनैपर से और हत्यारा से, जिस वजह से इस माता जी को न्याय नहीं मिल रहा। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमारी। क्या तारीख को आपका बेटा गायब हुआ? 3 तारीख। कौन गायब कर दिया? सिटी देवी चंदन। अच्छा, गणेश। चंदन कौन हुआ? लाल बाबू। चंदन आपका कौन लगेगा? छोटा बेटा। और आपके पति का क्या नाम है? गणेश माता। वो भी गायब करने में है? हाँ। थाना में किस किस पर आवेदन दिए हैं, किसका नाम दिए हैं? सिटी देवी, लाल बाबू। अच्छा, गणेश, चंदन। अपने पति, बेटा और 2 आदमी का नाम दिया? हाँ, हाँ। यही लोग गायब कर दिया? यही लोग सिखा को गायब करा। काहे गायब कर दिया आपके बेटा को? बेटा को गायब कर दिया, वो बेच लिया पहले। अच्छा। आ फिर वो आया था यहाँ, बोला कि वो उसको तो बेच लिया हम, उस बनहन में है। अच्छा। उस रूम में बंद है, यहाँ कैसे आया? अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे आया जिस यहाँ, कैसे आया? आपको अच्छा। बेटा नहीं है? अच्छा अच्छा। आपको बेटा नहीं है तो पुलिस में गए थे? हाँ। थाना पे गए तो क्या बोला? थाना पर दिन गए तो कहे हम आ रहे हैं। अच्छा। एक भी नहीं आया। क्या दिन हो गया? आज 9 रोज हो गया। DSP के पास भी गए थे? DSP का हम थाना पर भेज रहे हैं। DSP वाला थाना भेज रहे हैं? हाँ। थाना नहीं आया? ना। कितना दूर होगा यहाँ से रोसरा? कितना दूर होगा? कितना दूर, क्या मिनट लगता है टेम्पू जाइएगा टेम्पू से? तो
एक किलोमीटर है। हाँ। एक किलोमीटर की दूरी है। और सोचिए 112 डायल 112 की भी गाड़ी है और न जाने कितने पुलिस की गाड़ी है जो चक्कर लगाते रहती है, लेकिन इस माता जी का कोई सुनने वाला नहीं। और दोस्तों इसी आक्रोश में कि जब एक गरीब के साथ अन्याय होता है, जब एक गरीब के साथ कोई कांड हो जाता है तो पुलिस प्रशासन मौन हो जाती है, पुलिस प्रशासन गौन हो जाती है। यही किसी बड़े आदमी के साथ, किसी अमीर के साथ, किसी पैरवी वाले के साथ, किसी पूंजीपति के साथ और किसी ऊंची जाति वाली के साथ होता तो आज पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई रहती, जांच हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन का कर रहा होता। और एक बार बोलेंगे दिखाइए पूरा घुमा करके कैमरा, और यहाँ से दिखाइए कि समाज के कितने सारे लोग इथतिया गाँव में महिला के पीठ पे खड़े हैं और ये सारे इनके ही जैसे गरीब लोग हैं जो इस समाज में रहते हैं। और इनको लग रहा है कि जब इस गरीब के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस देखने के लिए नहीं आई, तो कल हम लोग के साथ भी होगा तो पुलिस देखने के लिए नहीं आई होगी। इसीलिए इस महिला का साथ देने के लिए सारे लोग इनके साथ खड़े हैं। हाथ खड़ा करके बोलिएगा, आप लोग इनके साथ हैं। और देखिए कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग। और देखिए रोसड़ा पुलिस का पुतला बना करके जूता का माला पहना है, रोसड़ा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इधर भी घुमाइएगा, बाबू रोसड़ा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, रोसड़ा पुलिस नहीं आ रहा है। एक बार पीछे घुमाइएगा, रोसड़ा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, नहीं। और देखिए ऊपर में छोटे छोटे बच्चे लोग हैं गरीब समाज के, ए बाबू पुलिस नहीं आता है, नहीं आता। और इसी से आक्रोशित होकर के आज रोसड़ा के थतिया गांव के लोग, महादलित समाज के लोग, देखिए ये महतो जी हैं, लेकिन इनके पीठ पे जितने लोग खड़े हैं ज़्यादातर दलित और महादलित समाज के लोग, सारे लोग एक हैं, लेकिन एक लोग है जो इनका साथ नहीं दे रहा है, वो है रोसड़ा थाना की पुलिस, रोसड़ा अनुमंडल की पुलिस, रोसड़ा थाना प्रभारी और रोसड़ा DSP, जिसके यहाँ दौड़ दौड़ के ये गुहार लगा रही। इसी आक्रोश में आज रोसड़ा पुलिस को जूता की माला पहना करके सारे महादलित समाज के लोग आज पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं।